उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया है कि नाइजीरिया में जिन अमेरिकी को बंधक बनाया गया था उन्हें छुड़ा लिया गया है। 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप ने अपनी सेना की तारीफ करते हुए कहा कि यूएस आर्मी ने बड़ी जीत हासिल की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी, 30 अक्टूबर के दिन हमारे देश के बहादुर योद्धाओं ने नाइजीरिया में एक अमेरिकी बंधक को रेस्क्यू किया है, साहसी सैनिकों को सलाम। ट्रंप ने सेना की तारीफ करते हुए लिखा कि ये जीत यूएस स्पेशल फोर्स की जीत है और इस जीत का जश्न भी मनाया जाएगा। फिलहाल ट्रंप चुनाव प्रचार में पूरी तरह जुट गए हैं और कई राज्यों में लगातार रैली कर रहे हैं। फिलहाल अपनी हर एक रैली में ट्रंप जो बाइडेन को निशाने पर ले रहे हैं। जैसे जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हथियारों की बिक्री का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से अमेरिका में हथियारों की बिक्री बढ़ गई है, उसके बाद से आपसी कलह का खतरा भी तेजी से बढ़ गया। वॉलमार्ट ने रिटेल स्टोर में बंदूकों की बिक्री रोक दी है। काफी ज्यादा बंदूकें बिकने के बाद वॉलमार्ट ने फैसला किया है। वॉलमार्ट ने गोला बारूद की बिक्री भी बंद कर दी है। वॉलमार्ट ने ऐसे वक्त में यह कदम उठाया जब चुनाव नतीजे के दिन लड़ाई होने या एक तरफा नतीजे आने पर हिंसक झड़प होने की आशंका जताई जा रही है। इस साल अमेरिका में बंदूक की बिक्री काफी ज्यादा हुई है। इस साल अमेरिका में 50 लाख लोगों ने पहली बार बंदूक खरीदा है। फिलहाल अमेरिका में चुनाव प्रचार जोरों पर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।